इस बार जैसे पहले जो मेलोटी फेस्ट होता है इस सेकेंड एडिशन में जीटे भी एक इंकॉर्पोरेट हुआ है, जीटे के संयुक्त तत्वाधान में ये हम लोग कार्यक्रम कराए जीटे टूरिज्म भी। तो इस बार हम जैसे जैसे हम लोगों ने क्या किया कि मतलब पहले सब पब्लिक का एक पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो ताकि लगे कि पब्लिक को सभी दार्जिलिंग वासी को लगे कि पहाड़ को लगे जीटे क्षेत्र को लगे कि ये पब्लिक का एक इवेंट है। जैसे पहले होता था कि पुलिस का ताकि पुलिस कर रहे जो जीटे कर रहे कि एक जीटे कर रहे, जैसे पहले जीटे का क्या होता था कि मतलब एक हम लोग का कैलेंडर इवेंट के रूप में हम लोग विंटर फेस्टिवल हम लोग कर रहे थे। इस बार हम लोग सेपरेटली हम लोग विंटर फेस्टिवल नहीं कर रहे, वो दिसंबर महीने में होता था। इस बार हम लोग इंकॉर्पोरेट करके वो जो विंटर फेस्टिवल को लेके इस बार मेलोटी फेस्ट ही हम लोग दार्जिलिंग मेलोटी फेस्ट ही इंकॉर्पोरेट करके विंटर फेस्टिवल को भी इंकॉर्पोरेट करके एक ही साथ करता है हम लोग। अभी यहाँ की मतलब डांसिंग हिल्स में टूरिज्म बढ़ाने के लिए जो टिस्टा वैली में एक नया प्रोग्राम कर रहे हैं, वो कैसा प्रोग्राम है? वो एक जैसे गोरखा विलेज बोल के हम लोग एक तो फील देना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे देश विदेश से यहाँ पे घूमने आएंगे वो मेलोटी फेस्ट के टाइम में, क्योंकि वो एक मतलब जैसे 25 दिसंबर से आगे होगा तो क्रिसमस का एक टाइम हो रहेगा यहाँ पे। तो जितना पर्यटक यहाँ पे आएंगे तो वहाँ को वो लोगों को फील मिले कि यहाँ पे जैसे गोरखा कम्युनिटी में वो लोग का पहचान खान पीन जो सब फील देंगे हम लोग वहाँ पे, जो जैसे रहने का वो किस तरीके से रहेगा मतलब वो सब फील हम लोग देना चाह रहे हैं वहाँ पे। एक तो गोरखा विलेज का फील कैसा रहेगा वो सब फील हम लोग देना चाह रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म के लेके जैसे हम लोग ज़्यादातर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि जैसे ये ट्रैफिक का समस्या आए दिन मतलब एक तो प्रॉब्लमेटिक हो गया है पहाड़ में ना, टूरिस्ट आने से तो यहाँ पे ये सीजन के टाइम में टूरिस्ट आने से तो ट्रैफिक का समस्या ये सबको है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि डी हाइक बोल के हम लोग भी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे यूथ फॉर टूरिज्म आगे आ रहा है क्योंकि हम लोग सारे ये मतलब जो यूथ है हम उनको ले रहे हैं अभी, उनको पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि उनको एक तो व्यवसाय करने का भी मिले, उनको एक तो जैसे कमाने का मौका भी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, उनको ट्रेन भी हम लोग कर रहे हैं कि ताकि टूरिस्ट लोग आए कि यहाँ पे सिर्फ टैक्सी में ट्रैवल करके ना जाए, जैसे सीनिक ब्यूटी के लिए सिर्फ ना जाए। एक तो यहाँ पे दार्जिलिंग में 5.7 पॉइंट है ताकि यहाँ पे हाइक भी करें ये लोग, मतलब हाइकिंग के लिए भी हम लोग प्रमोट करने जा रहा है ताकि यहाँ पे जैसे ट्रैफिक का जो समस्या है हम उनसे भी कम कर सकते हैं। लास्ट ईयर मेलोटी फेस्ट जो 3 दिन का हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा कि लोगों का बहुत इंथ्यूजाइज्म है एंड लोग चाह रहे हैं कि लंबा हो, एंड हमारा मेन पर्पज़ जो है कि लोगों का ड्यूरेशन ऑफ स्टे दार्जिलिंग में बढ़ाना, ये हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग का एक इनिशिएटिव है जिसमें ड्यूरेशन बढ़ने से टूरिज्म के प्रमोशन से हमारा कम्युनिटी का टच बेटर बढ़ता है क्योंकि हम लोगों ने इनिशिएटिव चालू किया है। दैट इज़ वी थॉट, हमें बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया कि ये इवेंट थोड़ा लंबा किया जाए इसलिए वी हैव प्रोलॉन्ग दिस इवेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट इस इवेंट में इसमें हम लोग बस चौरस्ता सेंट्रिक नहीं है, हम लोग चौरस्ता से दूर दूर बहुत सारे सर्किट्स बनाए हैं हम लोगों ने, जैसे एडवेंचर सर्किट डिस्कस किया आपसे हम लोगों ने, एक विलेज टूरिज्म सर्किट डिस्कस किया हम लोगों ने आप साथ, बर्ड वॉचिंग सर्किट डिस्कस किया। तो दीज सर्किट्स वुड बी इन द रिमोट प्लेसेज ऑफ दार्जिलिंग, वहाँ जाकर लोग जाएंगे। तो ये लोगों का डिमांड था, हम लोगों ने सोचा कि ये लोगों से कनेक्ट करने का इससे बड़े उपाय हो नहीं सकता है एंड इसमें लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपना कल्चर को दिखाने का और उनके पास टूरिज्म बढ़ने से उनके इकोनॉमिक इंपावरमेंट भी होगा। तो दिस आर द सर्टेन डीजर्स आर द रीजन्स जिसकी वजह से हम लोगों ने कोशिश किया कि इस इवेंट को लंबा करेंगे एंड आई एम होपफुल दैट इस साल ये इवेंट काफ़ी बड़ा होगा। आपने आपकी स्पीच में सुना है कि टूरिस्ट का ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ज़्यादा उसको गाड़ी से वॉकिंग के लिए कैसा है? हम लोगों ने इस बार एक नया इवेंट प्लान किया है, दैट इज डी हाइक नाम दिया है ना, दार्जिलिंग हाइक्स, उसको द हाइक भी बोल सकते हैं आप, दार्जिलिंग से रिलेटेड डी है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि टूरिज्म दार्जिलिंग में बढ़ेगा ही आने वाला टाइमों में, जो हम लोग को लग रहा है देख करके। तो इस वजह से हम लोग का रोड का जो कंडीशन होता है, रोड का कंडीशन को कमाने के लिए कम से कम कुछ हद तक जो टूरिस्ट हैं अगर वो रोड का यूज़ ना करके कुछ वॉकिंग टूरिज्म में पार्टिसिपेट करें, दैट विल बी अगेन अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर देम। तो वी कैन प्रमोट अ कल्चर ऑफ टूरिज्म, वॉकिंग टूरिज्म, हाइकिंग बेसिकली इन दार्जिलिंग, इससे आप उनका दार्जिलिंग का रिमोट पार्ट में जाने का मौका ही मिलेगा एंड ट्रैफिक की समस्या जो है किसी किसी रूट पे वहाँ पर अगर डीकंजेस्ट होगा रोड, अगर वहाँ लोग नहीं चलेंगे तो हम लोग को फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग कल ही एक रेड पांडा हाइक करने वाले हैं जो चौरस्ता से जू तक जाएगा, मतलब जितने भी टूरिस्ट होते हैं जिनको जू जाना होता है, स्ट्रॉबेरी पार्क जाना होता है, या जिनको HMI जाना है, या जिनको रोप वे जाना है, उनकी वो गाड़ियों का यूज़ करते हैं और गाड़ियाँ जाने से दिन भर में कम से कम 10-15 हज़ार टूरिस्ट जा रहे हैं उस साइड, अगर मान लीजिए तो बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं, वे आर प्रमोटिंग उस साइड गाड़ियाँ ना जाएँ और रोड चोक कम हो। बाकी जहाँ गाड़ी का अलावा उपाय नहीं है वहाँ तो गाड़ी यूज़ करना ही पड़ेगा लोगों को, बट वी आर प्रमोटिंग अ सस्टेनेबल काइंड ऑफ थिंग फॉर दार्जिलिंग सो दैट
एवरीबडी हैज़ अ स्पॉट इन दार्जिलिंग, चाहे वो टूरिस्ट गाइड हो लोकल जो लोग पैदल घुमा पा रहे हो, चाहे टैक्सी वाले लोग हो जो लोग वो गाड़ी में घुमा पा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट फुटप्रिंट फॉर एवरीवन। दार्जिलिंग पुलिस का मेन इवेंट था मैराथन, तो इस बार मैराथन कितना तारीख हो रहा है, कैसे? मैराथन इज अ पार्ट ऑफ मिलिटी फेस्ट लास्ट ईयर से ही, इस बार भी 18 से 22 जो मिलिटी फेस्ट हम बोल रहे हैं उसमें 22 तारीख का मैराथन है, बाकी 18 से 21 पूरा मिलिटी फेस्ट का जो इवेंट डिस्कस किया वो है।